हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटर क्लासेस। अभी कई लोगों ने मैसेज करा कि शिवलाल की बुक से अकाउंट्स करवाना है क्लास ट्वेल्थ के लिए, सो नाउ आई एम रेडी। अब मैं आपको शिवलाल की बुक से अकाउंट्स स्टार्ट करवाऊंगा और अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसमें पार्टनरशिप अकाउंटिंग, राइट। अभी इसमें मैं पार्टनरशिप से ही स्टार्ट करने वाला हूँ और एनपीओ जो फर्स्ट चैप्टर है अभी उसको नहीं करेंगे। हमारा टारगेट है सबसे पहले पार्टनरशिप कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट। इट इज क्लियर ना? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम शिवलाल। जो स्टूडेंट्स अभी राठी की बुक से क्वेश्चंस कर रहे थे वो चिंता ना करें, मैं उनको राठी की बुक से भी क्वेश्चंस कंटिन्यू करवाऊंगा। जहां पर उनकी वीडियो सीरीज चल रही है उसके कंटिन्यू चलेगी। शिवलाल बुक का मैं अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पर सारे वीडियोस होने हैं, राइट। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं शिवलाल बुक से पढ़ते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर करें जिससे ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़े और मैं ये करवा रहा हूँ क्वेश्चंस तो उन तक ये पहुंच जाए, राइट। सो ये आप लोग भी थोड़ा सा सहयोग करें। अभी चैनल में 500 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं, 500 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। नाउ आप अपने फ्रेंड्स को बताएं कि मैं यहाँ पे अकाउंट्स करवा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ मैं उसके, राइट। तो चलिए बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए शिवलाल की बुक में जहां से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैंने पार्टनरशिप का बेसिक तो थोड़ा बहुत पढ़ा दिया है, ठीक है, वो मेरे जो राठी वाली बुक सीरीज है उसमें भी बेसिक पढ़ाया हुआ है। तो आप थ्योरी के लिए थोड़ा वहां से देख लीजिएगा, पार्टनरशिप क्लास वन करके डला होगा और शायद क्लास टू भी डला होगा। पार्टनरशिप की बेसिक थ्योरी के लिए मैंने सीबीएसई का भी वीडियो बनाया था, वहां से भी बेसिक थ्योरी, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बेसिक थ्योरी सबकी सिमिलर होती है जो मैं बिना बुक्स के पढ़ाता हूँ, किसी बुक से कोई लेना देना नहीं होता उसका, राइट। ना शिवलाल की बुक्स पे देखा मैंने कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसपे फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को दे दिया है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दे दिया है, राइट। तो अभी आज के पहले तो हमें समझना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट मैं नहीं पढ़ा सकता, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो बेसिक फॉर्मेट देखने के बाद हम बढ़ेंगे आगे, राइट। तो देखिए मैं पहले आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ, वैसे तो आप लोग पिछला वीडियो देख के भी यहाँ से इसको समझ सकते हैं, बट नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विद द बेसिक, राइट। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, इसमें पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। तो क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर, जो भी ईयर का प्रॉफिट होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया है तो वो भी आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दीजिए, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होता है। इन तीनों का टोटल कर देंगे बाहर, राइट, और क्रेडिट का टोटल कर देंगे। जनरली क्रेडिट में एमपी बोर्ड में हर क्वेश्चन में दो ही चीजें आएंगी, राइट। डेबिट साइड में सबसे पहले आप लिख दीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारे लिए, हम मतलब फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होता है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तीनों का इंटरेस्ट चार्ज करके अमाउंट बाहर लिख दीजिए, क्लियर हो गया। फिर हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर किसी पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है या फिर किसी पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑलवेज हैव साइड बैलेंस्ड, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता है तो सेम टोटल यहाँ रखेंगे, अगर इधर बैलेंस बचता है तो वो होता है प्रॉफिट, सपोज अगर कभी इधर बैलेंस बचा ना तो वो लॉस होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने पढ़ा होगा। तो जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको हम अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो वो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में, तो कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल ऑब्लिक करंट क्या होते हैं मैं अभी आगे समझाने वाला हूं आपको, राइट। मान लीजिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, तीनों को हमने रेशियो में बांट दिया है। अब ये रेशियो में प्रॉफिट को बांटना
क्या होता है, क्लास टेंथ में आपने मैथ्स में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं अभी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना भी सिखा दूंगा। सो लेट्स मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट फॉर्मेट। तो पहले एक चीज समझे, हम जो भी कैपिटल बनाते हैं एक्चुअल में कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने की दो मेथड होती है। क्वेश्चन में आपके लिखा रहता है प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और एक मेथड है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएशन मतलब परिवर्तन होता रहता है जो, राइट। तो देखें फिक्स्ड मेथड में जनरली कितने अकाउंट बनेंगे और इसका नाम फिक्स्ड मेथड क्यों रखा गया, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। फिर फ्लक्चुएटिंग नाम क्यों रखा गया और यहां पर कितने कौन से अकाउंट बन सकते हैं, राइट। तो अभी हम देखते हैं फिक्स्ड मेथड में। फिक्स्ड मेथड में हम बुक्स में बनाएंगे दो अकाउंट। पहला अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। अब ये कैपिटल अकाउंट और दो अलग अलग क्यों बनाते हैं, क्योंकि यहां पर कैपिटल अकाउंट एक सिंगल लाइन का बनता है, मतलब यहां कैपिटल का बैलेंस फिक्स रहता है, मतलब कैपिटल का बैलेंस कोई चेंजेस नहीं होता है। जो भी ट्रांजेक्शन करने होते हैं, दिखाने होते हैं, वो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए फिक्स मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट। आपको समझ में आ गया होगा, इसको रटना नहीं है। ऐसे समझिए कि भाई कैपिटल अकाउंट एक ही लाइन का बनता है, उसका बैलेंस फिक्स्ड होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए सारे चेंजेस किसमें करेंगे, करंट अकाउंट में, क्लियर है। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है हिंदी में, इसमें इसको बोलते हैं परिवर्तन, मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है, बदलाव होते रहते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में मतलब कैपिटल का बैलेंस फिक्स्ड नहीं होता है, नॉट फिक्स्ड, ओके। भाई फिक्स नहीं है मतलब वो परिवर्तित होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो कैसे बदलाव होगा, जब हम सारा सब कुछ ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। इसलिए इसका बैलेंस फ्लक्चुएटेड होता रहता है। तो ये खास बात समझ में आ गई, फिक्स्ड मेथड में कितने अकाउंट बनते हैं, दो अकाउंट बनते हैं। उसका रीजन क्या है, बिकॉज कैपिटल फिक्स्ड होती है तो सारे ट्रांजेक्शन करंट में रिकॉर्ड करेंगे, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है क्योंकि यहां सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड करते हैं। नाउ अब इनके फॉर्मेट देख लेते हैं। जी तो फॉर्मेट बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं फॉर्मेट भी समझा दूंगा। सपोज दैट आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का हो जाएगा, फिर तीन पार्टनर अगर होंगे तो तीनों का नाम लिख देंगे हम, राइट। उसके बाद फिर अगेन पर्टिकुलर्स आ जाएगा, फिर अगर थ्री पार्टनर्स है तो 1, 2, 3 तीनों का नाम लिख देंगे। अब ये फिक्स्ड मेथड का अगर मैं समझाऊं कैपिटल अकाउंट, तो फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट तो ये वन लाइनर बनता है, कैसे देखिएगा। यहां पे हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स में, पार्टनर का नाम, सपोज दैट एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए आप, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें ये होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर करंट अकाउंट किसका बना रहे हैं, पार्टनर्स का बना रहे हैं ये। तो पार्टनर्स के लिए जो भी इनकम होगा, मतलब पार्टनर्स को जो भी अमाउंट रिसीव्ड होता है, वो हम जनरली क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या क्या मिलता है पार्टनर को, बताइए जरा। सबसे पहले क्या मिलता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर पार्टनर को जनरली मिलना ही है, खासकर बुक में तो मिलता ही है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और क्या मिल सकता है पार्टनर को, बाय सैलरी, किसी भी पार्टनर को हो सकता है मिले। और क्या मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, तो बाय कमीशन। और क्या मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फाइनल अमाउंट होता है वो भी पार्टनर्स को मिलता है, राइट। प्रॉफिट अगर हो तो उसको यहां लिख देंगे। डेबिट में क्या आ सकता है, डेबिट में जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि वो पार्टनर्स पे करते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है ना, पार्टनर पे करता है ड्रॉइंग। और क्या हो सकता है, ड्रॉइंग्स, जो पैसा वो विड्रॉल करता है, इंक्लूडिंग गुड्स ड्रॉइंग ऑल्सो, दिस वन। That's it, अब आपको यहाँ पे बैलेंस निकाल देना है। तो देखिए, जो स्टूडेंट जिनको ये समझ में नहीं आता है, उसका मेन रीजन है कि वो पहले फॉर्मेट समझते नहीं है।
तो पहले आप फॉर्मेट को अच्छे से समझें, अगर आपको इसमें भी नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा। नाउ फाइनली टू बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल आ जाएगा आपको समझ में। क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को घटा देंगे तो यहाँ पर फाइनल बैलेंस आ जाएगा तीनों का, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन, तो अब हम करने वाले हैं शिवलाल अकाउंट्स की बुक से पहला क्वेश्चन। हाँ जी, तो चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए अकाउंट्स में अगर आपको क्वेश्चन सीखना है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के पीछे मत भागिए, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने हेडिंग भी डाल के रखा है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इन्होंने क्या दिया है, ऑन 1st October 2017 डेट भी दिया है, राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड 8,000। दो पार्टनर हैं राम और कृष्णा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है 10,000 और 8,000 रुपए से। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट, तो उनको इंटरेस्ट कितना मिलता है भाई 10% का ऑन देयर कैपिटल। एंड कृष्णा वॉज एंटाइल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। ध्यान से पढ़िएगा, पहले ही क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात है, पर मंथ सैलरी दिया है, तो क्या हम यहाँ पर एनुअल सैलरी लिखेंगे 12 महीने की, बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स। क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा, मतलब आधा आधा 1/2 और 1/2। ईच पार्टनर्स वॉज एंटाइल्ड टू विदड्रॉ ₹250 पर मंथ एज ड्रॉइंग, ठीक है भाई, उनकी ड्रॉइंग कितनी है 250 रुपए हर महीने है, ठीक है, विद इंटरेस्ट। द अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31st March। अरे वाह, जनरली वैसे आपकी किताब में यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चन में वो 31st March देता है और कुछ क्वेश्चन में 31st December दे देगा। आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है हर क्वेश्चन में कि अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं, राइट, 31st March को फाइनेंशियल ईयर लिया इन्होंने। एंड देयर वाज प्रॉफिट ऑफ ₹6,050 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। अब ये बिफोर और आफ्टर एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं समझा दूंगा, यहाँ पे समझा देता हूँ। बिफोर अलाउिंग मतलब इंटरेस्ट और सैलरी देने के पहले हमारा प्रॉफिट इतना है, अभी तो सिंपल लिख देना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ आफ्टर लिखेगा तो मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर समझा दूंगा आपको। ना आगे लिखा है, ये तो इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया हमने सारी की सारी, नाउ करना क्या है, बोल रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st March 2018 अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आई होप सबको आ गया होगा। क्वेश्चन में जनरली आपको कौन कौन सी चीजें दी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दिया है, ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेसिक फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। अभी हमने क्वेश्चन रीड भी कर लिया है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी मैंने समझाया था ना फॉर्मेट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन में देखिए आपको प्रॉफिट कितना दिया है 6050। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा 6050। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि अभी क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ बोला नहीं था। नाउ डेबिट में क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप बताएंगे जरा कितना दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन से पार्टनर है, नाम क्या है, वेयर इज दे, राम और कृष्णा, ठीक है भाई, ये है राम और ये है कृष्णा, इनका रेट कितने परसेंट, 10% बोला है, तो पहले वाले का 10,000 का, रुकिए जरा, क्या ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस स्टार्ट करा है ना वो 1st October से करा है, तो साल भर का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, अक्टूबर से लेके 31st March तक का लगाएंगे, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, आप बताएं जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से बिजनेस स्टार्ट करा है हमने, 1st October से, राइट। तो यहाँ एक रफ वर्ग में देखिएगा जरा,
फर्स्ट अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 6 महीने होंगे, ठीक है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। आई होप आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। तो 10,000 का कितने परसेंट निकालना है हमें, 10%, कितना होता है 1,000 रुपए। लेकिन अगर हमें वही निकालना है 6 मंथ के लिए, 6 by 12 कर दीजिएगा तो 500 रुपए आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में 8,000 का 10%, 8,000 का 10% 800 रुपए, लेकिन 6 महीने के लिए 400 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 900 रुपए। तो टू सैलरी अकाउंट, सैलरी किसको मिलती है, कृष्णा को। आप तो सीधे सैलरी अकाउंट लिखिए, राइट, किसी को भी मिले डजेंट मैटर। टू सैलरी अकाउंट में कृष्णा की सैलरी कितनी है, 300 रुपए महीने के हिसाब से बोला है। हाँ, कितने महीने, 6 महीने होंगे ना। कई स्टूडेंट यहाँ गलती कर सकते हैं क्योंकि वो मिडिल ऑफ द ईयर से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो 1800 रुपए आ जाएगा, राइट। बाकी तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि डेट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाए, 6050 टोटल आ रहा है, 6050 इसी टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। 6050 में इन दोनों का टोटल मतलब 2700 रुपए घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3350। तो यहां पर हम लिख देंगे 3350। ये जो प्रॉफिट आएगा इसको हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस प्रॉफिट को आधा आधा इक्वली बांट देंगे राम और कृष्णा में। क्वेश्चन में बोला है ना इक्वली बांटना है, तो 1650 और 1650 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसका आधा आधा। इट इज क्लियर नाउ, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। तो पहले चलिए देखते हैं फिक्स्ड मेथड के हिसाब से। आप इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने करंट कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आइए मैंने समझा दिया था ना, अच्छा तीन वाला है तो दो फॉर्मेट हम बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपको जब दो कॉलम बनाने हैं, दो ही पार्टनर हैं, ठीक है, छोटा सा बनेगा, मैं ऐसे जनरली ड्रॉ कर देता हूं, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यहाँ पर राम, यहाँ पर कृष्णा, फिर पर्टिकुलर्स राम और कृष्णा। आप सब लिखिएगा, मैं जरा पूरा लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है, राइट, राम और कृष्णा सब मतलब यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी मैंने समझाया था आपको कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस का ओपनिंग लिखिए और फिर इसको क्लोज कर देना है हमें यहाँ पे। तो ओपनिंग बैलेंस भाई पहले का कितना है कैपिटल, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही करा है, तो इनका तो ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय बैंक लिख देंगे, भाई ये लोग तो पैसा लेकर आ रहे हैं, अभी कितने रुपए लेकर आ रहे हैं, 10,000 और 8,000, क्लियर है। हर जगह हमें बैलेंस ही नहीं लिखना है भाई, ये तो लेजर पोस्टिंग होती है, आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल लाया एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक लेजर पोस्टिंग, क्लियर हो गया। 10,000 और 8,000 इसका कर दीजिए टोटल, ठीक है, दैट्स इट। और यहां पर और डेबिट में क्या आ जाएगा, सॉरी यहां 8,000 आएगा टू बैलेंस, अब यहां बैलेंस कैरेट डाउन होगा बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड, ये आखिरी बैलेंस है, यही सेम अमाउंट 10,000 एंड 8,000। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो करेंट कैपिटल अकाउंट हो चुका है, नाउ मूव टू द करेंट अकाउंट। कौन सी मेथड से बना रहे हैं, ये आपको पढ़ाया था अभी मैंने, फिक्स्ड मेथड से दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करेंट अकाउंट। तो देखिए जरा करेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मेट जो अभी हमने बनाया था वही यहाँ पर बनेगा। पहला हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर राम और कृष्ण, अगेन पर्टिकुलर्स, नाउ राम एंड कृष्ण। तो प्लीज पर्टिकुलर्स आप लिखिएगा, राम कृष्ण मैं लिखता हूं। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन।
तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले करंट अकाउंट में पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर इनको क्या मिल रहा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले वाले को कितने मिल रहे थे, ओके आपको देखना पड़ेगा, मेरे पास तो अब है नहीं कुछ देखने के लिए। हाँ 10,000 का हमने निकाला था, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे अपने रजिस्टर में देख सकते हैं, ठीक है। बट मेरा एप्रोप्रिएशन तो डिलीट हो गया है। नाउ 10,000 का कितने निकाले थे हमने, इसका होगा 500 और इसका होगा 400। आप अपने एप्रोप्रिएशन में देखिए, सीधा ट्रांसफर कर देना है। फिर क्या मिल रहा है यहाँ पर, बाय सैलरी। तो 300 रुपए महीने के हिसाब से थी सैलरी और ये मिल रही है कृष्ण को। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस बता दीजिए जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था, आई डिलीटेड इट। ओके 1675, अगेन 1675। क्या डेबिट साइड कुछ आता है, हाँ जी डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ड्राइंग दिया है, बताएं जरा कितना है। टू ड्राइंग्स, टू ईच पार्टनर वॉज एंटाइल टू विदड्रॉ 250 पर मंथ एज अ ड्राइंग। हर पार्टनर तो 250 × 6 1500 रुपए होता है शायद, 1500 और 1500। समझ में आ गया, 6 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई 6 महीने ही तो हुआ है अभी बिजनेस करते हुए। अब हम क्या करेंगे, डेबिट आपको बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करना 2 से 3 क्वेश्चनों के अंदर आप सीख जाइएगा, जिससे फिर मुझे भी आसानी होगी आपको पढ़ाने में, क्योंकि फिर हर क्वेश्चन में मैं डिटेल्ड नहीं बताया करूंगा। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, राइट। पहले हम ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिसका टोटल ज्यादा हो उसका टोटल करेंगे। कितना होगा इसका टोटल, 2175। यहाँ कितना होगा, 18,022 और 16 कितने होते हैं, 3875। मैं तो बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूँ अभी, अगर गलत होगा तो फिर यूज करूंगा। सेम टोटल यहाँ ट्रांसफर करिए जरा, 2175 और 3875। नाउ इन दोनों को डिडक्ट कर देना है, ये 2375 आएगा बिल्कुल, और इसका कितना आएगा, 675। तो क्या आंसर दिया हुआ है, मुझे तो लगता है यही होगा आंसर, देखते हैं जो भी हो। नाउ नोट करिए इसको, फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन यहीं पर करेंगे, इसलिए इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अभी हम कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन, लेकिन यहां पर तो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय बैंक आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट अभी स्टार्ट ही हो रहा है, बिल्कुल बाय बैंक 10,000 और 8,000 रुपीज वो लोग लेकर आ रहे हैं कैश, राइट। फिर सेम करेंट अकाउंट की कॉपी कर देना है आपको, हाँ जी। तो आप लोग जरा देखिए, मैंने सबसे पहले कैपिटल का बैंक के नाम से लिख दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ सैलरी लिख दिया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस लिख दिया, यहाँ पर कर दिया है टोटल। डेबिट में सिर्फ एक चीज आना है, दैट इज ड्रॉइंग्स, हाँ जी। तो देखिए डेबिट साइड में 2 ड्रॉइंग्स आ जाएगा, सेम जैसा कि हमने करंट अकाउंट में लिखा था। मैंने अभी बताया ना आपको, एवरीथिंग इज करंट अकाउंट एक्सेप्ट द बैलेंस, राइट। मतलब यही बैलेंस कैपिटल का आ जाता है करंट में ही, तो इसका नाम हो जाता है कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस बुक का, आई होप आप लोग इस पहले फॉर्मेट को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आपको इसको एक बार खुद से ट्राई करना होगा, तब जाके ये आपसे बनेगा। 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसके बाद क्या आ जाएगा पर्टिकुलर्स में, पार्टनर का नाम, सपोज दैट एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए आप, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है, इसमें ये होता है डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, तो जरा ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पर करंट अकाउंट किसका बना रहे हैं, पार्टनर्स का बना रहे हैं ये, तो पार्टनर्स के लिए जो भी इनकम होगा, मतलब पार्टनर्स को जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो हम जनरली क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या क्या मिलता है पार्टनर को बताइए जरा। सबसे पहले क्या मिलता है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर पार्टनर को जनरली मिलना ही है, खासकर बुक में तो मिलता ही है, ओके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, और क्या मिल सकता है पार्टनर को, बाय सैलरी, किसी भी पार्टनर को हो सकता है मिले, और क्या मिल सकता है, कमीशन मिल सकता है, तो बाय कमीशन, और क्या मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फाइनल अमाउंट होता है वो भी पार्टनर्स को मिलता है, राइट, प्रॉफिट अगर हो तो उसको यहां लिख देंगे। डेबिट में क्या आ सकता है, डेबिट में जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि वो पार्टनर्स पे करते हैं, तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है ना, पार्टनर पे करता है ड्रॉइंग, और क्या हो सकता है, ड्रॉइंग्स, जो पैसा वो विड्रॉल करता है, इंक्लूडिंग गुड्स ड्रॉइंग ऑल्सो, दिस वन, दैट्स इट। अब आपको यहाँ पे बैलेंस निकाल देना है। तो देखिए, जो स्टूडेंट जिनको ये समझ में नहीं आता है, उसका मेन रीजन है कि वो पहले फॉर्मेट समझते नहीं है, तो पहले आप फॉर्मेट को अच्छे से समझें, अगर आपको इसमें भी नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिएगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा ना। फाइनली टू बैलेंस कैरेट डाउन कैसे निकालेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल आ जाएगा आपको समझ में, क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को घटा देंगे तो यहाँ पर फाइनल बैलेंस आ जाएगा तीनों का, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन, तो अब हम करने वाले हैं शिवलाल अकाउंट्स की बुक से पहला क्वेश्चन। हाँ जी, तो चलिए अभी हम पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, अकाउंट्स में अगर आपको क्वेश्चन सीखना है तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के पीछे मत भागिए, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने हेडिंग भी डाल के रखा है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अभी इससे हमें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, इन्होंने क्या दिया है, ऑन 1st October 2017 डेट भी दिया है, राम एंड कृष्णा स्टार्टेड अ क्लॉथ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड 8,000, दो पार्टनर हैं राम और कृष्णा, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है 10,000 और 8,000 रुपए से। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स वर एंटाइल्ड टू गेट 10% एनुअल इंटरेस्ट, तो उनको इंटरेस्ट कितना मिलता है भाई, 10% का ऑन देयर कैपिटल, एंड कृष्णा वॉज एंटाइल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹300 पर मंथ। ध्यान से पढ़िएगा, पहले ही क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात है, पर मंथ सैलरी दिया है, तो क्या हम यहाँ पर एनुअल सैलरी लिखेंगे 12 महीने की, बिल्कुल। प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, क्वेश्चन में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जो रेशियो होगा वो इक्वली होगा, मतलब आधा आधा, 1/2 और 1/2। ईच पार्टनर्स वॉज एंटाइल्ड टू विड्रॉ ₹250 पर मंथ एज ड्रॉइंग, ठीक है भाई, उनकी ड्रॉइंग कितनी है, ₹2,500 हर महीने है, ठीक है, विद इंटरेस्ट, द अकाउंट्स वर क्लोज ऑन 31st March। अरे वाह, जनरली वैसे आपकी किताब में यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चन में वो 31st March देता है और कुछ क्वेश्चन में 31st December दे देगा, आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है हर क्वेश्चन में कि अकाउंट्स कब क्लोज करते हैं, राइट, 31st March को फाइनेंशियल ईयर लिया इन्होंने, एंड देयर वाज प्रॉफिट ऑफ ₹6,050 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी। अब ये बिफोर और आफ्टर एक कॉन्सेप्ट आएगा, मैं समझा दूंगा, यहाँ पे समझा देता हूँ, बिफोर अलाउिंग मतलब इंटरेस्ट और सैलरी देने के पहले हमारा प्रॉफिट इतना है, अभी तो सिंपल लिख देना है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ आफ्टर लिखेगा तो मैं इस कॉन्सेप्ट को फिर समझा दूंगा आपको। ना आगे लिखा है, ये तो इन्फॉर्मेशन पढ़ लिया हमने सारी की सारी, नाउ करना क्या है, बोल रहा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन 31st March 2018 अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो। तो चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझ में आई होप सबको आ गया होगा। क्वेश्चन में जनरली आपको कौन कौन सी चीजें दी हुई थी,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, सैलरी दिया है, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेसिक फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। दिस इज क्वेश्चन नंबर वन। अभी हमने क्वेश्चन रीड भी कर लिया है, तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी मैंने समझाया था ना फॉर्मेट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो क्वेश्चन में देखिए आपको प्रॉफिट कितना दिया है, 6050। आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा 6050। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, जो कि अभी क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ बोला नहीं था। नाउ डेबिट में क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप बताएंगे जरा कितना दिया हुआ है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन से पार्टनर है, नाम क्या है, वेयर इज दे, राम और कृष्णा। ठीक है भाई, ये हैं राम और ये हैं कृष्णा। इनका रेट कितने परसेंट, 10% बोला है। तो पहले वाले का 10,000 का, रुकिए जरा, क्या ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होने वाला है? बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस स्टार्ट करा है ना, वो 1 अक्टूबर से करा है। तो साल भर का इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का लगाएंगे, राइट। तो पहला ही क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। आप बताएं जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब से बिजनेस स्टार्ट करा है हमने, 1 अक्टूबर से, राइट। तो यहाँ एक रफ वर्ग में देखिएगा जरा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने महीने होंगे, 6 महीने होंगे, ठीक है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। आई होप आपको परसेंटेज निकालना आता होगा। तो 10,000 का कितने परसेंट निकालना है हमें, 10%, कितना होता है, 1,000 रुपए। लेकिन अगर हमें वही निकालना है 6 मंथ के लिए, 6/12 कर दीजिएगा तो 500 रुपए आ जाएगा। फिर दूसरे वाले में 8,000 का 10% 800 रुपए, लेकिन 6 महीने के लिए 400 रुपए। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 900 रुपए। तो टू सैलरी अकाउंट, सैलरी किसको मिलती है, कृष्णा को। आप तो सीधे सैलरी अकाउंट लिखिए, राइट, किसी को भी मिले डजेंट मैटर। टू सैलरी अकाउंट में कृष्णा की सैलरी कितनी है, 300 रुपए महीने के हिसाब से बोला है। हाँ, कितने महीने, 6 महीने होंगे ना। कई स्टूडेंट यहाँ गलती कर सकते हैं, क्योंकि वो मिडिल ऑफ द ईयर से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो 1800 रुपए आ जाएगा, राइट। बाकी तो कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि डेट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नाउ यहाँ पर आ जाए, 6050 टोटल आ रहा है, 6050 इसी टोटल को यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। 6050 में इन दोनों का टोटल, मतलब 2700 रुपए घटा दीजिए आप, तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 3350। तो यहां पर हम लिख देंगे 3350। ये जो प्रॉफिट आएगा इसको हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इस प्रॉफिट को आधा आधा इक्वली बांट देंगे राम और कृष्णा में। क्वेश्चन में बोला है ना इक्वली बांटना है, तो 1650 और 1650 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसका आधा आधा। इट इज क्लियर नाउ, फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से। तो पहले चलिए देखते हैं फिक्स्ड मेथड के हिसाब से। आप इस स्लाइड को नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करंट कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पहला कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आइए मैंने समझा दिया था ना, अच्छा तीन वाला है तो दो फॉर्मेट हम बनाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपको जब दो कॉलम बनाने हैं, दो ही पार्टनर हैं, ठीक है, छोटा सा बनेगा, मैं ऐसे जनरली ड्रॉ कर देता हूं, पर्टिकुलर्स हो जाएगा, यहाँ पर राम, यहाँ पर कृष्णा, फिर पर्टिकुलर्स राम और कृष्णा। आप सब लिखिएगा, मैं जरा पूरा लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, आपको है, राइट, राम और कृष्णा सब, मतलब यहाँ पर्टिकुलर्स लिख लीजिएगा। नाउ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी मैंने समझाया था आपको कि कैपिटल अकाउंट का हमेशा ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस का ओपनिंग लिखिए और फिर इसको क्लोज कर देना है हमें यहाँ पे।
तो ओपनिंग बैलेंस भाई पहले का कितना है कैपिटल, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही करा है तो इनका तो ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय बैंक लिख देंगे भाई, ये लोग तो पैसा लेकर आ रहे हैं, अभी कितने रुपए लेकर आ रहे हैं, 10,000 और 8,000, क्लियर है। हर जगह हमें बैलेंस ही नहीं लिखना है भाई, ये तो लेजर पोस्टिंग होती है, आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल लाया एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो टू कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक लेजर पोस्टिंग, क्लियर हो गया। 10,000 और 8,000 इसका कर दीजिए टोटल, ठीक है, दैट्स इट। और यहां पर और डेबिट में क्या आ जाएगा, सॉरी यहां 8,000 आएगा टू बैलेंस, अब यहां बैलेंस कैरेट डाउन होगा बिकॉज इट इज ट्रांसफर्ड, ये आखिरी बैलेंस है, यही सेम अमाउंट 10,000 एंड 8,000। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। तो करेंट कैपिटल अकाउंट हो चुका है, नाउ मूव टू द करेंट अकाउंट। कौन सी मेथड से बना रहे हैं ये आपको पढ़ाया था अभी मैंने, फिक्स्ड मेथड से दो अकाउंट बनते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। तो देखिए जरा करंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, सेम फॉर्मेट जो अभी हमने बनाया था वही यहाँ पर बनेगा, पहला हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर राम और कृष्ण, अगेन पर्टिकुलर्स, नाउ राम एंड कृष्ण, तो प्लीज पर्टिकुलर्स आप लिखिएगा, राम कृष्ण मैं लिखता हूँ। नाउ मूव टू द सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले करंट अकाउंट में पार्टनर को जो भी मिल रहा है वो लिखेंगे, तो यहाँ पर इनको क्या मिल रहा था, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले वाले को कितने मिल रहे थे, ओके आपको देखना पड़ेगा, मेरे पास तो अब है नहीं कुछ देखने के लिए, हाँ 10,000 का हमने निकाला था, आप अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपने रजिस्टर में देख सकते हैं, ठीक है, बट मेरा अप्रोप्रिएशन तो डिलीट हो गया है। नाउ 10,000 का कितने निकाले थे हमने, इसका होगा 500 और इसका होगा 400, आप अपने अप्रोप्रिएशन में देखिए, सीधा ट्रांसफर कर देना है। फिर क्या मिल रहा है यहाँ पर, बाय सैलरी, तो 300 रुपए महीने के हिसाब से थी सैलरी और ये मिल रही है कृष्ण को। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस बता दीजिए जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस अभी हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था, आई हैव डिलीटेड इट, ओके 1675, अगेन 1675, क्या डेबिट साइड कुछ आता है, हाँ जी डेबिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और ड्रॉइंग, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ड्रॉइंग दिया है, बताएं जरा कितना है, टू ड्रॉइंग्स, टू ईच पार्टनर वॉज एंटाइल्ड टू विदड्रॉ 250 पर मंथ एज अ ड्रॉइंग, हर पार्टनर तो 250 × 6 1500 रुपए होता है शायद, 1500 और 1500, समझ में आ गया, 6 का इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई 6 महीने ही तो हुआ है अभी बिजनेस करते हुए। अब हम क्या करेंगे, डेबिट आपको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करना 2 से 3 क्वेश्चनों के अंदर आप सीख जाइएगा, जिससे फिर मुझे भी आसानी होगी आपको पढ़ाने में, क्योंकि फिर हर क्वेश्चन में मैं डिटेल्ड नहीं बताया करूंगा। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, राइट, पहले हम ऑलवेज हायर साइड बैलेंस, जिसका टोटल ज्यादा हो उसका टोटल करेंगे, कितना होगा इसका टोटल, 2175, यहाँ कितना होगा 18,022 और 16 कितने होते हैं 3875, मैं तो बिना कैलकुलेटर के कर रहा हूं अभी, अगर गलत होगा तो फिर यूज करूंगा, सेम टोटल यहाँ ट्रांसफर करिए जरा, 2175 और 3875, नाउ इन दोनों को डिडक्ट कर देना है, ये 2375 आएगा बिल्कुल, और इसका कितना आएगा 675, तो क्या आंसर दिया हुआ है, मुझे तो लगता है यही होगा आंसर, देखते हैं जो भी हो। नाउ नोट करिए इसको, फिर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग मेथड से, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन यहीं पर करेंगे इसलिए इसमें एक ही अकाउंट बनता है, कौन सा, कैपिटल अकाउंट। तो चलिए अभी हम कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगेन, लेकिन यहां पर तो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बाय बैंक आ जाएगा,
कैपिटल अकाउंट अभी स्टार्ट ही हो रहा है, बिल्कुल बाय बैंक 10,000 और 8,000 रुपीज वो लोग लेकर आ रहे हैं कैश, राइट। फिर सेम करेंट अकाउंट की कॉपी कर देना है आपको। हाँ जी, तो आप लोग जरा देखिए, मैंने सबसे पहले कैपिटल का बैंक के नाम से लिख दिया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ सैलरी लिख दिया है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस लिख दिया, यहाँ पर कर दिया है टोटल। डेबिट में सिर्फ एक चीज आना है, दैट इज ड्रॉइंग्स। हाँ जी, तो देखिए डेबिट साइड में 2 ड्रॉइंग्स आ जाएगा, सेम एज जैसा कि हमने करंट अकाउंट में लिखा था। मैंने अभी बताया ना आपको, एवरीथिंग इज करंट अकाउंट एक्सेप्ट द बैलेंस, राइट। मतलब यही बैलेंस कैपिटल का आ जाता है करंट में ही, तो इसका नाम हो जाता है कैपिटल अकाउंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस बुक का। आई होप आप लोग इस पहले फॉर्मेट को समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आपको इसको एक बार खुद से ट्राई करना होगा, तब जाके ये आपसे बनेगा। 2-4 क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने यहां तक क्वेश्चन कर लिया है, दिस वॉज द फर्स्ट क्लास, राइट। सेकेंड क्लास हम बहुत जल्द करने वाले हैं, तो आप चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि शिवलाल की बुक से क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आपको। तो जो भी आपके फ्रेंड्स शिवलाल की बुक से अकाउंट्स करते हैं उनको आप बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइट, ओके, थैंक यू फॉर दैट।